हेलो फ्रेंड्स, RHEL6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये ग्रेप कॉन सीरीज का 10th वीडियो है और इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू शो लाइन नंबर हाइल डिस्प्लेइंग द आउटपुट यूजिंग ग्रेप हाइफन एन ऑप्शन। यानी जब आप किसी फाइल से कोई पैटर्न या स्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं और आपको चेक करना है कि वो पैटर्न या स्ट्रिंग उस फाइल की किस लाइन से मैच हुआ है, यानी उस लाइन के साथ में आपको उस लाइन का नंबर भी आपको डिस्प्ले करना है, तो कैसे करते हैं वो इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसके लिए आपको ग्रेप कमांड के साथ में हाइफन एन ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए ग्रेप कमांड का जो सिंटेक्स है वो इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आपको लिखना ग्रेप, उसके बाद हाइफन एन ऑप्शन, उसके बाद वो स्ट्रिंग या पैटर्न आपको लिखना है जो आप मैच करना चाहते हैं, उसके बाद उस फाइल का नाम लिखना है जिस फाइल से आप ये पैटर्न या स्ट्रिंग सर्च करना चाहते हैं या मैच करना चाहते हैं। तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेमो फाइल क्रिएट कर रखा है, तो सबसे पहले इस डेमो फाइल का कंटेंट चेक कर लेते हैं। ये उस फाइल का कंटेंट है। अब मैं माय फाइल डॉट टीएक्सटी की उन लाइंस को प्रिंट करवाना चाहता हूँ जिसमें एप्पल लिखा है, और साथ में उन लाइंस का नंबर भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि जो लाइन उस एप्पल स्ट्रिंग से मैच होगी वो लाइन तो साथ में प्रिंट होनी चाहिए, साथ में उसका नंबर भी आपको प्रिंट करना है। तो उसके लिए ग्रेप कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा, ग्रेप फिर हाइफन एन ऑप्शन, उसके बाद वो पैटर्न या स्ट्रिंग आपको लिखना है जो आप मैच करना चाहते हैं। तो अभी हमारे केस में वो पैटर्न है एप्पल, और उसके बाद उस फाइल का नाम आपको लिखना है जिस फाइल से आप ये पैटर्न या स्ट्रिंग सर्च करना चाहते हैं। तो एंटर की प्रेस करके देखिए। अब ये कमांड क्या करेगा, माई फाइल डॉट टीएक्सटी से वो सभी लाइन प्रिंट करेगा जो एप्पल स्ट्रिंग से मैच होती है, और साथ में उनका नंबर भी आपको डिस्प्ले करेगा। तो एंटर की प्रेस करके देखिए। तो देखिए यहाँ पर लाइन तो प्रिंट हो ही रहा है जिससे ये मैच हुआ है स्ट्रिंग, साथ में उसका लाइन नंबर भी यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है कि ये जो लाइन है वो उसका नंबर है 1, और इस लाइन का नंबर है 6, और इस लाइन का नंबर 10, और इसका 17, और इसका है 18। तो जब भी आपको लाइन के साथ में उस लाइन का नंबर आपको डिस्प्ले करना है तो आपको ग्रेप कमांड के साथ में हाइफन एन ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।